नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, रसोई को व्यक्ति की हिंदू धर्म के अंदर विशेष तौर से देखा जाए तो घर की रसोई को व्यक्ति का आईना कहा जाता है। जिस घर की रसोई उत्तम प्रभाव वाली होती है उस घर के अंदर कभी भी दरिद्रता देखने को नहीं मिलती, उस घर के अंदर कभी भी दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता, उस घर के अंदर हमेशा संपन्नता बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जिस घर की रसोई घर के अंदर विशेष तौर से अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति हिंदू धर्म का है और माता अन्नपूर्णा देवी का घर के अंदर वास चाहता है, जिस घर की रसोई घर के अंदर यह चीज़ें होती है उसके घर परिवार के अंदर कभी भी दरिद्रता नहीं रहती और उसके घर परिवार के अंदर हमेशा संपन्नता रहती है। तो दोस्तों, बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, जिस घर की रसोई घर के अंदर प्राचीन समय के अंदर से ही देखा जाए तो दोस्तों अग्नि का विशेष महत्व रहता था। पहले लोग चूल्हे के अंदर खीरे अंगारे आदि रखते थे या छोटा सा दिया जलाकर रखते थे ताकि उनकी रसोई घर के अंदर सदैव अग्निदेव विराजमान रहे। दोस्तों, आज पुरानी रसोई की जगह नया रसोई घर आ चुका है और दोस्तों उसके चूल्हे का स्थान गैस ने ले लिया है। लेकिन दोस्तों, आपको अपनी परंपरा नहीं भूलनी चाहिए। आप इस काम को कर सकते हैं कि रसोई घर के अंदर कभी भी चाहे आप कोई भी प्रकार का ईंधन काम में लेते हैं वह ईंधन समाप्त नहीं होना चाहिए। चाहे लकड़ी का चूल्हा है तो लकड़ी समाप्त ना होने दे, चाहे गैस है तो गैस का सिलेंडर कभी भी समाप्त ना होने दे। आप चाहे किसी भी रूप से खाना बनाते हैं वह चीज़ आपके घर की रसोई घर से समाप्त नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह प्राचीन समय में दोस्तों, आज के समय दोस्तों जिस प्रकार से आभूषण और रुपयों से व्यक्ति संपन्न माना जाता था, प्राचीन समय के अंदर वही व्यक्ति संपन्न माना जाता था जिसके घर के अंदर अनाज की कमी नहीं हो, वही व्यक्ति वास्तव में दोस्तों संपन्न है। क्योंकि दोस्तों, हम पेट की सुधा शांत करने के लिए कमाते हैं और दोस्तों जब यह पूर्ति हो जाती है तो समझ जाइए संसार के अंदर सारी चीज़ों की पूर्ति हो गई। तो दोस्तों, अपनी घर की रसोई घर के अंदर से कभी भी आप अनाज समाप्त नहीं होने दें। घर का रसोई घर के अंदर आटा, अनाज, दाल, चावल, ऐसी चीज़ें हमेशा घर की रसोई घर के अंदर होनी चाहिए ताकि वहां पर संपन्नता देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह हल्दी को दोस्तों गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। हल्दी से व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होता है, हल्दी से व्यक्ति की कुंडली के अंदर अच्छाइयां देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप एक काम करें कि अपने घर की रसोई घर के अंदर पीले रंग की यह हल्दी दोस्तों देवी देवताओं को प्रसन्न करने के साथ ही माँ अन्नपूर्णा की प्रमुख घोतक होती है। तो आप अपने घर की रसोई घर के अंदर हल्दी को भूल कर भी समाप्त नहीं होने दें। हमेशा अपने घर की रसोई घर के अंदर आपको हल्दी रखे होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो दोस्तों, जिस घर के अंदर अन्न और जल होता है वह घर बहुत संपन्न माना जाता है। आज के समय दोस्तों, पानी पीने का स्थान प्यूरीफायर ने ले लिया है। आज का पानी पीने का जगह वाटर के कैंपर ने ले ली है। अलग अलग स्थानों को बदल दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, प्राचीन भारत कहता है, प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, प्राचीन संस्कार कहते हैं, जिस प्रकार मिट्टी के घड़े के अंदर या पीतल या तांबे के घड़े के अंदर जल रहता है उस घर के अंदर कभी भी दरिद्रता नकारात्मकता नहीं आती है। तो दोस्तों, आप अपने घर के अंदर एक रसोई घर के अंदर तांबे के घड़े के अंदर या मिट्टी के घड़े के अंदर जल भर के जरूर रखें ताकि वह रसोई घर संपन्न माना जाता है और उस घर की रसोई घर के अंदर हमेशा ठंडक और शीतलता बनी रहती है। इसी तरह दोस्तों, नमक वैसे तो देखा जाए तो खाने के अंदर स्वाद बढ़ाने का काम करता है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों नमक घर की रसोई घर के अंदर से बुराइयों को सोखता है, बुराइयों को समाप्त करता है, अच्छी चीज़ों को फैलाता है और घर परिवार के अंदर ओजस्व को लेकर आता है। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें, अपने घर की रसोई घर के अंदर से कभी भी नमक समाप्त नहीं होने दें। जिस घर की रसोई घर से अंदर से नमक समाप्त हो गया समझ जाइए कि उस घर की रसोई घर के अंदर अपने आप ही दरिद्रता देखने को मिल जाती है, उस घर के अंदर अच्छी चीज़ें भूल कर भी निवास नहीं करती है। इसीलिए इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए।
इसी तरह दोस्तों रसोई घर की संपन्नता बढ़ाने के लिए, रसोई घर की पवित्रता बढ़ाने के लिए, मां अन्नपूर्णा और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घर की रसोई घर के द्वार पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करना चाहिए, ताकि आपके घर की रसोई घर के अंदर संपन्नता बनी रहे, ना कि किसी प्रकार से नकारात्मकता आपको प्रभावित कर पाए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।